नमस्कार, पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज आरएसएस यानी संघ पर छिड़ गई है एक नई जंग और आरएसएस के नाम पर आज दिन भर होता रहा सियासी घमासान। दरअसल मोदी सरकार ने आरएसएस से जुड़े एक 58 साल पुराने फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। असल में 1966 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था। इस पुराने प्रतिबंध के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर आरएसएस के साथ जुड़ता था, शाखा में जाता था, कोई दायित्व लेता था, तो उसे सस्पेंड करने का भी प्रावधान था और कई कड़े एक्शन लेने का भी प्रावधान था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यही वजह है कि इसे लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच एक घमासान, सियासी घमासान छिड़ गया है। आरएसएस ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का तो ये तक आरोप है कि संघ और बीजेपी के संबंध इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए संघ को खुश करने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए संघ पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे। आज पांच की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि संघ से हटा बैन तो कांग्रेस क्यों हुई बेचैन। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज संघ पर कैसे हुआ सियासी संग्राम। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। आरएसएस जो है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो उसकी रणनीति होती है, उसकी जो प्लानिंग होती है, सब उनके मुख्यालय में होती है और वो तय करते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। तो इनको गैर राजनीतिक दल कहना या सांस्कृतिक मंच कहना गलत है। आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। तो वैसे ही जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टिकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लोरिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता है, वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये आरएसएस और भाजपा की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी उठाई भगवान को लेकर, सुपरमैन को लेकर, उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार के रूलिंग निकाल रही है। ये बहुत पहले ये प्रतिबंध हटा हुआ था और लोग जाते थे। ये ऐसा नहीं कि आजकल मैं अधिसूचना जारी हुआ, ये न्यूज फीचर अभी किया है और ये एक वैचारिक चीज है। पहले चोरी छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकृत रूप कर दिया, अब उसका कोई इलाज निकाला जाएगा विपक्ष की तरफ। कौन कहता है पहले से नहीं थी? कितने अधिकारी कहते हैं कि मैं संघ की शाखा में जाता हूँ, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ? वो पहले पिछले दरवाजे से थे, अब सामने से हैं। भाई सरकार है, कुछ ही कर लो। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ पूजा पद्धति करने के लिए हर एक आदमी अपने आप में स्वतंत्र है। मुझे लगता है सरकार के द्वारा बहुत एक अच्छा कदम, देर से लाया हुआ कदम है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है, सिर्फ देश के लिए काम करना है? इस देश में नैतिकता से परिपूर्ण नागरिक बने, देशभक्त नागरिक बने, उसका कोई स्कूल नहीं है। अगर कोई है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो अगर देशभक्ति पूर्ण संस्कृति, भारतीय संस्कृति पूर्ण बनने से आप कोई रोक रहा है, तो मैं नहीं समझता वो भारत का मित्र। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब
खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। तो वैसे तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं को गैर राजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जो इस संगठन को लेकर इस देश में सियासी घमासान ना मचता हो। अभी फिलहाल कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि बीजेपी और संघ के संबंधों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, विपक्ष ताने कस रहा था, तंज कस रहा था, और आज जब सरकारी कर्मचारियों को अब संघ में शामिल होकर कार्य करने की अनुमति मिल गई है, एक 5 दशक पुराने ऑर्डर सरकारी ऑर्डर को बदल दिया गया है, तो फिर एक बार राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। तो आज 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर संघ से हटा है बैन तो कांग्रेस क्यों हुई बेचैन। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में होंगे हमारे साथ खास मेहमान, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संघ और बीजेपी के बिगड़ते संबंधों को, कथित तौर पर जो बातें आ रही हैं उसको सुधारने की कोशिश है, यह एक आम सा फैसला है। और उस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय गिरी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वहीं मेरे साथ मौजूद हैं राकेश शेट्टी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा राजीव तुली जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन इनकी एक पहचान ये भी है कि संघ के बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं, बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं और संघ के कई दायित्वों में रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर चौगांवकर जो वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आरएसएस पर जो बैन लगा हुआ था सरकारी कर्मचारियों पर कि वो आरएसएस में शामिल नहीं हो सकते हैं, उसे हटाने की जरूरत पड़ गई। अब तो ऐसी मांग अन्य दल के जो संगठन है, जैसे अगर मैं बात करूं कांग्रेस का सेवा दल है, तो उसके लिए भी इस तरह की मांग उठेगी, तो ये तो मांग तो अनंत होती जाएगी फिर। धनंजय प्रखर जी, संघ को समझने में सरकार को 58 साल लग गए, अब जाकर प्रतिबंध हटा है, यह स्वागत योग्य फैसला है। शांति, अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा से भीगा हुआ संघ का दैविक राष्ट्रवाद न केवल देश की जरूरत है बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरत है। यह अमृत काल का अमृत से भरा हुआ स्वागत योग्य फैसला है। विसैली हुकूमत की हिंदू और हिंदुत्व के प्रति जो अनास्था थी, उस कारण संघ के खिलाफ विश्वमन होता रहा। संघ पर अनेकों बार प्रतिबंध लगे, सियासत की भट्टी में तपकर संघ कुंदन बनकर बाहर निकलता रहा। प्रखर जी, सत्ता के दुर्ग्रह की बातों से नहीं बल्कि अपने विचारों से जवाब देने का काम हमेशा संघ ने किया। संघ व्यक्ति निर्माण के कार्य में लगा रहा और वैचारिक बल से अपना जवाब देता रहा। कहा गया है कि सत्य का मार्ग प्रताड़ना के मार्ग हो सकते हैं, पराभव के नहीं। संघ साधना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राष्ट्र यज्ञ में कितनी आहुतियां दी गई है कथा अनंत है। देश के लिए मरना तो मूल्यवान है ही, पर इससे भी ज्यादा मूल्यवान है देश के लिए जीना। तृष्णा छू न सकी मन को, सत्ता लिप्तता के लिए जहां कोई जगह नहीं है। संघ में अर्धवृत्त का आदेश बहुत प्रभावी है। अर्धवृत्त अर्थात पीछे मुड़कर नहीं देखने का नाम है। जैसे लंका जीतने के बाद भगवान राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, महावीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो पीछे मुड़कर नहीं देखते, जो आने वाले समय को स्वयं को होम करके आने वाले समय को गढ़ते जाते हैं, रचते जाते हैं, जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी व्यक्ति निर्माण की। इस राष्ट्र निर्माण में इस देश के कर्मचारियों का जो योगदान होता है उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनको रोका गया तो इस देश में बहुत से नैतिक पतन कम हुए होते। इस बहुत देश के सरकारी कर्मचारी अगर संघ की शाखा में जाते तो वो कुंदन होकर के निकलते, इस राष्ट्र का और विकास होता, उद्भव होता, तर्पण अर्पण समर्पण सीख पाते, जीविषा तृष्णा छू न सकी मन को, उस तरह से मन को कुंदन कर पाते। धनंजय जी, जो आपने बात कही संघ के बारे में, जो बात कही, ये बात तो दूसरे संगठन के लोग भी अपने लिए कह सकते हैं, और वो कह सकते हैं फिर हमें भी अनुमति मिलना चाहिए, हमारे भी सरकारी कर्मचारियों को आने की अनुमति होना चाहिए, हमारे जो दूसरे संगठन उनसे जुड़े हुए। हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता अनुने अलंकार, गगन कैसा गगनोपकार, आकाश कैसा आकाश जैसा, राम रावणी तो कैसा राम रावणी तो जैसा, समुद्र कैसा समुद्र जैसा, संघ कैसा तो संघ जैसा। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरह संसार में दुनिया में कोई दूसरा संगठन नहीं है जहां स्वयं को मिटा दो, अपनी हस्ती को स्वयं को मिटा करके राष्ट्र के निर्माण के यज्ञ की संविधा में स्वयं को होम करते हुए आज पीढ़ियां गुजर गई है। सरकार के अनेक प्रताड़ना और प्रतिबंध झेलते हुए हम राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में स्वयं को होम जिस तरह से कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण आपको संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक, हमारे साथ मैं अभी राकेश शेट्टी जी के पास आऊं, उसके पहले मैं राजीव तुली जी के पास चलूंगा क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते वो आरएसएस के एक स्वयं सेवक भी हैं। और राजीव तुली जी, आपने एक किस्सा सुना होगा जनवरी 1948 का है, जब अमृतसर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं संघ को जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा, जड़ मूल से मैं संघ को नष्ट कर दूंगा।
तब संघ के द्वितीय सरसंचालक गुरु गोलवलकर जी ने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संघ किसी की मेहरबानी से आगे नहीं बना है, बड़ा है, और संघ अपना जो सर्वाइवल है, जो आगे बढ़ने की उसकी प्रवृत्ति है, उसके लिए वो किसी का मोहताज नहीं है। ऐसे में जब सरकार ये फैसला ले रही है तो संघ की क्या प्रतिक्रिया होगी? धन्यवाद प्रखर जी। पंडित नेहरू ने कहा था कि आई विल क्रश द आरएसएस, और जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे उन्होंने कहा था आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटेलिटी। जी, तो इस प्रकार से ही संघ आगे बढ़ा है। हमने लोगों के विरोध को राजीव जी तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, राजीव जी से हम उनका प्रतिक्रिया जो भी अधूरी रह गई है वो हम बाद में लेने की कोशिश करते हैं। राकेश शेट्टी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं इस बहस में शामिल करना चाहूँगा। राकेश जी, लगातार कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, और कांग्रेस की आपत्ति क्या है, मतलब इसकी वजह क्या है? सिर्फ संघ को लेकर ये कांग्रेस की आपत्ति है, या संघ से कोई पुरानी दुश्मनी है, संघ से कोई पुराना राजनीतिक विरोध है, इसलिए बार बार संघ का नाम कांग्रेस घसीटती है, और जब कोई इस तरह के फैसले होते हैं तो आपत्ति लेती है? आप क्या कहेंगे राकेश जी इस बारे, इसको लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आदर्श मानते हैं, वो सरदार पटेल जी ने 1948 में आरएसएस के ऊपर बैन लगवाया। ठीक। और उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि आरएसएस इस देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक हिंदू राज्य की मांग कर रही है। ठीक। और आपको याद दिला दूं, आरएसएस और ये जो 2024 का जो चुनाव हुआ, आपको याद होगा कि विपक्ष बार बार ये कह रही थी कि ये लोग संविधान बदलने वाले, और आज धीरे धीरे जैसे तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो आप देखिए आज इन्होंने इतना पुराना फैसला जो था उसको बदलने का कोशिश किया और उन्होंने बदल दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस, इनको ये जो देश का जो डेमोक्रेसी है वो पसंद नहीं है, आरएसएस को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन मान्य नहीं है, और आरएसएस को राष्ट्रध्वज तिरंगा मान्य नहीं है, इसलिए अपने हेडक्वार्टर पे पिछले 52 इयर्स में इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था। जब उनकी सत्ता है उसके बाद इन्होंने घर घर तिरंगा मार्च वो सब करवाया, वो दूसरी बात है। और आपको एक याद दिला दूं, जो आप कह रहे कि सरकारी कर्मचारी ये अब परमिशन दिया है, अब तो लिखित में दिया है, जबकि वो जा पहले से जा रहे थे। उसका एक उदाहरण देता हूं, प्रदीप कुरुलकर नाम का डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट था, इसका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा था। क्या हुआ, 10 मई 2023 को इनको अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की एक लड़की से इन्होंने डीआरडीओ का वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर किया गया। पूरा प्रदीप कुरुलकर जी के पिताजी हो, उनका पूरा परिवार हो, ये आरएसएस से जुड़ा हुआ था। और एक एक बता देता हूँ, आरएसएस के मुख्य बड़े लीडर, राकेश जी मैं इसलिए थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ क्योंकि अपने आप गंभीर, बहुत गंभीर आरोप लगाए। राकेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ कि जब इतना जिस संगठन में करोड़ों लोग होते हैं उसमें अगर एक दो लोगों पे आरोप लगते हैं तो आप पूरे संगठन को, आप उसको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के भी हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, अगर वो अपराध करते हैं तो उसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं हो जाती है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। जी, मैं आपको उसका आरएसएस का मूल बता रहा हूं कि जब वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं कर रहे, तिरंगा को पसंद नहीं कर रहे, और इस देश का जो एसेंस है सेक्युलरिज्म को पसंद नहीं करते, आज आपने गवर्नमेंट कर्मचारी को ये आपने बॉन्डिंग कर दिया कि आपको आरएसएस चाका में जाना है। क्यों भाई, क्यों जाना है? जो लोग जा रहे थे उनका परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया, और आरएसएस के ऊपर बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लगाया था। और जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या कांग्रेस हो, मुझे बताइए वाजपेयी जी का 8 साल सरकार रहा, नरेंद्र मोदी जी का 10 साल रहा, तब ये बैन नहीं हटाया तो अब क्यों हटा रहे? ठीक है, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस बारे में? इनके नेता सोनिया गांधी जिस मजहब को फॉलो करती है उसी में जीसस ने कहा है कि अर्ध सत्य झूठ से ज्यादा खराब होता है। अगर सरदार पटेल ने बैन लगाया था तो सरदार पटेल ने ही बैन हटाया। आप आधा कांग्रेस की ये बीमारी क्या है ये समझ से परे है। कांग्रेस ने 3 बार बैन लगाया और 3 बार बैन हटा, लेकिन आप आधी बात क्यों बता रहे हैं?
आधी बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो आपको सूट करता है, ये कांग्रेस के यही कुत्सित मानता। हम कहें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे वारंट इशू है नेशनल हेराल्ड केस में, और ये न कहें कि बेल हुआ है, तो कैसा लगेगा आपको? दोनों को भगोड़ा समझेगी दुनिया। आप सत्य से इतना भागते क्यों हैं? कांग्रेस की कालिक पोछने में हमें वक्त लग रहा है, कितनी कालिके हैं, कितनी कालिमा है कांग्रेस के चेहरे पर, एक एक करके उसको कुंदन बनाने का। ठीक है धनंजय, रोक रहा हूँ राकेश। राजीव तुली जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। राजीव तुली जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, और मेरा सवाल यह था कि क्या संघ को फर्क पड़ता है अगर सरकारी कर्मचारियों को भी अनुमति मिल जाती है तब भी, क्योंकि संघ तो अपना कार्य कर ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है, 100 साल पूरे होने वाले अगले साल संघ की स्थापना के। जी जी जी, देखिए 1948 के बयान का आपने जिक्र किया, 48 में बैन भी किया, उसके बाद उसी सरकार ने बैन हटाया भी, कपूर कमीशन बनाया, उस कपूर जो गांधी जी की हत्या को प्रूव करने के लिए, उसने भी कहा किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है जिसके कारण से ये बैन कंटिन्यू, जिसके कारण से ये बैन लगा था। 1975 से लेके 1977 तक बैन लगाया, और इतने अधिक अत्याचार संघ के स्वयंसेवकों पर किए कि बहुत सारे स्वयंसेवकों की जीवन समाप्त हो गए उसमें, बिल्कुल। तो भी उसके बाद बैन हटा और संघ आगे बढ़ा, फिर बैन लगाया 1990 में, फिर बैन हटा। तो कांग्रेस की ये एक आदत सी हो गई है। दूसरा एक हिंदी की कहावत है जिसको कहते हैं सावन हरे ना भादो सूखे। मैं केवल दो बातें कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ कि जब बैन लगा था तो संघ के जो स्वयंसेवक सरकारी नौकरियों में काम कर रहे थे तो उन्होंने संघ की शाखा में आना बंद कर दिया था क्या? नहीं किया था। आपने बैन लगाया और ये बैन लगा होने के कारण से संघ का काम बढ़ना रुक गया क्या? तो वो भी नहीं रुका। मैं आपको अभी एक बहुत छोटी सी एक घटना बता करके, प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे कांग्रेस के, लगभग 6 दशक तक वो निर्विवादित नेता भी रहे, तो उन्होंने एक व्यक्तिगत मीटिंग में, किसके साथ हुई मैं वो भी बता दूंगा, कहा कि कांग्रेस के राज की या कांग्रेस की एक सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने संघ को अपना दुश्मन माना। कांग्रेस यदि संघ को अपना दुश्मन ना मानती और कांग्रेस संघ के साथ मिलकर देश चलाने की बात करती तो शायद कांग्रेस का उसमें बहुत भला होता। और उसका एक दूसरा उदाहरण, उससे पहले जब ये मीनाक्षीपुरम की घटना हुई जी 80 के दशक की शुरुआत में, बहुत तेजी से धर्मांतरण होना शुरू हुआ, तो उस समय की प्रधानमंत्री और कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने संघ के लोगों को बुला करके कहा कि ये जो धर्मांतरण का काम है ये रोकना कांग्रेस और सरकार के बस की बात नहीं है, ये काम केवल आप कर सकते हैं। और उन्होंने उसी संदर्भ में विवेकानंद केंद्र जो है, विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी, उनको बुला करके उनको जमीन दी, वहां विद्यालय खोलने का काम दिया, और आज पूर्वोत्तर भारत में एक सबसे बड़ा जो नाम है विद्यालयों का वो विवेकानंद विद्यालय है, वीवी के विद्यालय बोलते हैं उन, वो वीवी के विद्यालयों का एक बहुत बड़ा स्थान है पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो जब कांग्रेस की लीडरशिप, ये जो सब अभी की आप लीडरशिप देख रहे हो, इनमें से मैं किसी को कांग्रेसी भी नहीं मानता हूँ, ये तो बेचारे लेफ्ट और इस्लाम जिहादी इस्लामिस्ट के कब्जे में है, ये उसी के कारण से अपने एक्शंस और अपनी कृतियां तय करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो बैन हटा है, नहीं लगा हुआ था तब भी संघ की सेहत पे फर्क नहीं था, और अब हट गया है तो भी संघ की सेहत पर बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। राकेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? राकेश जी, अभी आपने धनंजय की बात सुनी, राकेश जी आप ही के पास आ रहा हूँ, आपने धनंजय जी की बात सुनी, आपने राजीव जी की बात सुनी, और ये स्पष्ट हो गया दोनों ने जो बात कही उसका सार यही है कि ठीक है, सरदार पटेल ने अगर बैन लगाया किन्हीं परिस्थितियों में तो उस बैन को भी सरदार पटेल के रहते रहते हटा दिया गया। कपूर कमीशन बना, कपूर कमीशन में संघ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, और उसके बाद भी आप पिछले 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और बार बार गांधी हत्याकांड में संघ का नाम घसीटने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और गांधी की हत्या होती है और 17 साल तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं तो जांच बिठाते हैं, कपूर कमीशन भी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बिठाया, लाल बहादुर शास्त्री के समय बना, इंदिरा गांधी के समय कंटिन्यू हुआ। तो भैया इतने साल तक आपकी सरकार थी तो जांच करवा लेते, संघ पे अपराध साबित कर देते, आप साबित ही नहीं कर पाए ना, बस सिर्फ इस्तेमाल करते हैं गांधी की चिता का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ये आरोप लगता है आप पर।
श्रीवास्तव जी, अभी अभी राजीव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बैन लगाया, हम लोग पारदर्शिता है इसलिए तो बैन हटाया, मगर आप देखिए ना, आपने उनसे पूछा नहीं कोर्ट से, मतलब पारदर्शिता थी, बैन हटा लिया, मतलब आपने मान लिया कि संघ की कोई भूमिका नहीं थी गांधी हत्याकांड में, आपने मान लिया ना, फिर जयराम रमेश ट्वीट क्यों करते हैं आज? आज वो क्यों घसीट रहे हैं उस मामले में संघ को? देखिए, मैं जब जवाब दे रहा था तब आप बीच में बोलने लग गए, बट उन्होंने जब बात की आप बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, बोल लीजिए, जरा पेशेंट, नहीं बोल लीजिए, मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर आरएसएस के लोगों ने माफी मांगा और उन्हें कहा कि हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, और आज के बाद हम पॉलिटिकल कोई काम नहीं करेगा, ऐसा एफिडेविट दिया है सरकार को, झूठ नहीं, देखिए देखिए देखिए, अरे आपका जब समय आएगा तब बताइए ना, नहीं नहीं, आप असल में क्या हो रहा है ना कि आप देखिए राकेश जी, मैं इसलिए टोक रहा हूँ कि आप जो इतिहास के तथ्य दे रहे हैं वो सारे गलत तथ्य दे रहे हैं, इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ रहा है। आप बताएं किसने माफी मांगी, कब माफी मांगी? इंदिरा जी ने कोई माफी हुई ना, किसी ने माफी मांगी? थोड़ा पढ़े लिखे लोग, इंदिरा जी ने राम को लेकर ने लिख के दिया कि हमें राम को लेकर एक मिनट, आप दिखा दो, आप दिखा दो, आप दिखा दो, डेट बता दो। देखिए इतना फर्जी कांग्रेस में, कांग्रेस में फर्जी एक मिनट रोक देता हूँ, लेकिन इतने बड़े फर्जी लोग आदमी को आपने बुला रखा है। आरएसएस जो है एक देश विरोधी इंदिरा जी के बारे में, देखिए आरएसएस में तो इतने डरपोक लोग, एलेन ऑक्टोबियो युग, एक अंग्रेज की बनाई गई कांग्रेस और एक अंग्रेज के तलवे चाट करके यहाँ तक आए गए कांग्रेस, जिसको लिए कहा अकबर इलाहाबादी ने कि कौम के गम में खाते हैं डिनर, हुकाम के साथ रंग लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ, ये आदमी क्या, थोड़ा पढ़ा लिखा कर, भाई किताब खरीद लो, मैं बनौर को भी भेज देता हूँ घर पे, पढ़ना लिखना सीख लो मेरे भाई, गूगल कर लो, नेट देख लो, कहीं दिखा दो, संघ में कभी किसी ने किसी से माफी नहीं मांगी, हम राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं और अपने जिस दिशा में चल रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार एक साथ बोलेंगे, कभी किसी ने कोई माफी नहीं मांगी, भ्रष्टाचारी को ले लिया आपने। अच्छा ठीक है, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारी की बात नहीं हो रही, एक मिनट, देखिए समीर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, समीर जी के पास आऊं, राकेश जी रुक जाइए, मेरा एक सवाल आपसे, सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया, सरदार पटेल ने प्रतिबंध हटा लिया, ये बात आपने मान ली, अब आप मानते हैं इस मंच पर कि संघ की कोई भूमिका, एक मिनट, सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ राकेश जी, प्लीज साल तक आप लोग आप पूछिए ना, नरेंद्र मोदी सुनिए सुनिए, तो संघ पर एक मिनट सुनिए, आप मानते हैं कि गांधी हत्याकांड में संघ की कोई भूमिका नहीं थी, आप ये स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? कपूर कमीशन की फाइंडिंग्स को आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप इसको स्वीकार कीजिए इस मंच पर, और नहीं करते तो सबूत मैं बता देता हूं। आपका डिबेट उसके ऊपर है क्या, गांधी हत्याकांड के ऊपर है क्या? नहीं, आपके जयराम रमेश ने लिखा है ना, आपकी पार्टी के जो पूरे कर्ता धरता हैं, तो जिनके कहने पर राहुल गांधी चलते हैं, जो शेडो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने गांधी हत्याकांड का जिक्र किया अपने एक्स पोस्ट में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा एंकर, आप क्यों उत्तेजित हो रहे? नहीं उत्तेजित क्योंकि आप तथ्य गलत लिख रहे हैं, आप तथ्य गलत बता रहे हैं, आप बार बार सरदार पटेल और गांधी हत्याकांड का आपने जिक्र किया, मैंने तो नहीं किया, आपने प्रतिबंध की बात तो आपने की, मैंने तो नहीं की। चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी, आप क्यों उत्तेजित हो रहे? आप भी गए थे कि आरएसएस शाखा में? सुनिए शेट्टी जी, अब मैं समझ रहा हूँ आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं, देखिए अब मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि राकेश शेट्टी, क्योंकि आपने ऊपर व्यक्तिगत हमला किया, अब मैं आपका परिचय पूरा बताता हूँ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ कांग्रेस सेवा दल की महाराष्ट्र इकाई के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में यह दुख है कि कांग्रेस सेवा दल वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो संघ ने हासिल किया। कांग्रेस सेवा दल की सीधे सीधे जो एक तरह से तुलना करती की जाती थी आरएसएस से, वो आप नहीं कर पाए पूरा, इसलिए आप उत्तेजित, इसलिए आप उत्तेजित हो रहे हैं। अगर व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे ना शेट्टी जी, व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे ना, तो मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आप पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए, शांत। अब एक बात सुन लीजिए, आपने कहा कि आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है, आपने कहा आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है, तरह तरह के आरोप लगे, किधर बोला मैंने? चलिए ठीक है, तो देखिए मेरे कांग्रेस के पार्टी के लोग तो बोलते हैं, कांग्रेस की पार्टी के लोग तो बोलते हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन है श्रीवास्तव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, मैं
देखे गांधी हत्याकांड के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा ये प्रश्न है कि वाजपेयी जी का 7-8 साल सरकार रही और मोदी जी का 10 साल रहा, उन्होंने तब क्यों नहीं हटाया, ये मेरा प्रश्न है। आज क्यों हटा रहे, इसका आंसर भी आपको दे देता हूँ। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने आईना दिखाया था नरेंद्र मोदी जी को, उनको उनको शांत करने के लिए ये ऑर्डर निकाला गया, ये मेरा कह इसका जवाब हम धनंजय से ले लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे समीर के पास। धनंजय जी, जो आरोप लग रहा है वो कह रहे हैं कि भाई 10 साल अटल जी की सरकार थी, 10 साल मोदी जी की भी सरकार रह चुकी, इन 20 सालों में आपको याद नहीं आया और अचानक अब ये प्रतिबंध हटा लिया गया, और उसके पीछे जो वजह कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद जो अनबन की खबरें संघ और बीजेपी के बीच आ रही थी उसमें संघ को खुश करने के लिए फैसला लिया गया। आप क्या कहेंगे धनंजय जी इस पर? देखिए, संघ की शाखा से ही नरेंद्र मोदी का जी का भी निर्माण हुआ है, संघ के तपे तपाए कार्यकर्ता हैं और लगातार इस बात को कहते रहे, संघ की शाखा से निकले हुए हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति तर्पण अर्पण समर्पण के साथ राष्ट्र निर्माण के सेवा में स्वयं को होम करता रहता, समय आने पर सही निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस के कितने कुत्सित निर्णयों को हमने बदला है, मोहम्मद अपराधी कानून को जो भारतीय दंड संहिता थी उसको भी बदला, तो कहेंगे उसको क्यों बदला भाई, कांग्रेस के कितने कालिखों को हमने धोया है, इस देश को कुंदन बनाने के लिए कई कानूनों को बदला गया है, कई कांग्रेस की गलतियों को सुधारा जा रहा है। कांग्रेस बात टाइमिंग की है, धनंजय जी बात टाइमिंग की है, जो बात राकेश शेट्टी जी कह रहे हैं टाइमिंग की बात कह रहे हैं कि जब 10 साल दो बार आप 10-10 साल सरकार में रह गए तो 21वें साल में बदलने की जरूरत क्या थी, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं राकेश शेट्टी। तो ये सवाल तो उस समय भी उठाते हैं, जैसे इनकी सरकार बनी इन्होंने हटा दिया क्योंकि आरएसएस के प्रभाव में, तो ये कहने वाले तो कुछ कहेंगे ही ना, इनको तो कुछ भी कहने का चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस को तो ये सूट करता है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि भाई संघ पे हमला करना चाहिए, क्योंकि संघ पर लगातार ये हमला करते रहे सालों से। और जो कह रहे हैं, जब डॉक्टर हेडगेवार बिल्कुल सेवा दल में थे और उन्होंने जो कांग्रेस की जो नीतियां थी उसी कुनीतियों से उसी लंबे समय तक रहे, आप पूरी पूरी जानकारी ले लीजिए, जब पूरी कुनीतियों को उन्होंने समझा और कांग्रेस का झुकाव एक धर्म विशेष के तरफ हुआ और देश को बांटने के तरफ जब कांग्रेस जाने लगी तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस में तो कई लोग रहे। आपने अपनी बात कही, राकेश जी ने अपने आरोप लगाया, समीर जी के पास चलता हूं। समीर जी, आपने पूरी चर्चा सुनी और माफी चाहता हूं, बहुत देर से मैं आपके पास सवाल पूछने के लिए आया हूं। आप इस सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं, ये एक सामान्य फैसला है या इसके पीछे भी कोई राजनीति है, क्योंकि खबरें इस तरह की लगातार जो आ रही थी संघ और बीजेपी के संबंधों को लेकर, तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस फैसले में किसी तरह की राजनीति नहीं देखता हूं, मुझे लगता है कि इस फैसले से संघ की सेहत पर कोई बहुत फर्क पड़ देने वाला है। ये बात जरूर सही है कि जब 2014 में सरकार आई थी तो मुझे लगता है, मुझे जो इस बात की उम्मीद थी कि सरकार आते ही ये फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि इस फैसले की आपके लिए कि केंद्र सरकार को लोकसभा में बहुमत की और राज्यसभा में बहुमत की जरूरत रही थी, एक सरकारी आदेश था जो 2014 में निकल जाना चाहिए था। 10 साल मोदी की सरकार के रहते इसका इतना लंबा इंतजार की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आया इसका मैं स्वागत करता हूं। और देखिए, संघ को इससे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता, यह आदेश नहीं भी निकलता तब भी संघ आज जिस तेजी से बढ़ रहा है, घर घर में पहुंच रहा है, हर गांव में संघ पहुंच रहा है, हर वर्ग के लोग संघ से जुड़ रहे, वो देश का सबसे बड़ा सबसे अनुशासित संगठन संघ बन चुका है 1925 से बनने के बाद, और 3-3 संघ के ऊपर तो प्रतिबंध लगने के बाद भी संघ आगे बढ़ता गया। ये तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही भेजने का था, बोले प्रस्ताव भी क्यों आया था, जब ये प्रस्ताव आया तो उस समय ये कहा गया कि भाई जब जनसंघ थी भारतीय जनता पार्टी से नहीं, ये कहा गया कि जनसंघ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनसंघ की जो बढ़ रहा है उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की भूमिका है, तो अगर संघ को बैन कर देंगे तो जनसंघ जो बढ़ रहा है उसका वो खत्म हो जाएगा और कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। तो बेसिकली जनसंघ को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ को प्रतिबंधित किया गया था कि अगर संघ को सरकारी कर्मचारी को रोक देंगे तो कहीं ना कहीं संघ तो होगा। देखिए, संघ तो आज समाज के हर हिस्से में व्याप्त है और 1925 में जिस दिन दशहरे के दिन केशव बलिराम हेगड़ेवाल जी ने इसकी शुरुआत की थी, जिस संघर्ष से उन्होंने शुरुआत की थी, आज 100 साल जब होने जा रहे हैं, संघ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन बन गया है और संघ को इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, संघ किसी के बारे में नहीं कहता, आज प्रतिबंध हट गया है, सुधीर अंबेडकर जी का एक बयान आ गया इस हटने के बाद कि संघ बहुत फटाके फोड़ने वाला है, कि संघ कार्यालय में कोई दीपोत्सव मनाया जाएगा कि घी के दिए जलाए जाएंगे, संघ अपना काम करते रहता है, लोग संघ के बारे में बोलते रहते हैं, संघ को पता है और संघ कभी बोलता नहीं है, संघ का काम बोलता है। यही कारण है कि संघ के अंदर कोई एक प्रवक्ता का पद नहीं है, संघ जानता है कि हमें काम करना है देश के अंदर, शांत रहो, काम करते जाओ, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते जाओ और राष्ट्र के लिए समर्पित
स्वयं सेवकों की और नागरिकों की टोली खड़ी करते जाओ। संघ अपने राष्ट्र निर्माण के एजेंडे में जुटा हुआ है, संघों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है समीर जी, आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्योंकि एक वक्त एक ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद भी ये महत्वपूर्ण चर्चा जारी रहेगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर 5 की पंचायत में आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं आज की इस खबर पर जिसको लेकर तमाम सुबह से विवाद हो रहे हैं। खबर यह है कि संघ से जो बैन हटा लिया गया है, अब सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर विपक्षी दल सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इस फैसले के बाद 58 साल पुराना फैसला बदला गया। मेरे साथ मेहमान है राजीव तुरी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकारी कर्म एक संघ की संस्कृति है, जिसको सब आप जिस संस्कृति की आपने भी शुरुआत में बात की, धनंजय भी वो बात कर रहे थे संघ की संस्कृति के बारे में बता रहे थे। और जब ये संस्कृति है और उसमें अगर सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने की छूट मिल जाएगी तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे जो राजनीतिक लाभ के लिए शायद संघ से जुड़े और उसका इस्तेमाल जो है वो अपने दूसरे कार्यों के लिए करें। तो क्या संघ की संस्कृति पर इसका असर नहीं पड़ेगा, या आप इस बात पर कायम है कि पहले भी सरकारी कर्मचारी तो हमारे साथ शामिल होते ही रहते थे, शाखाओं में आते ही थे? देखिए दो बातें हैं जी। मैंने जैसे पहले कहा तो संघ की शाखा में आना है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ अपने प्रोफेशन के आना है। वो सरकारी नौकरी में है नहीं है संघ के स्वयंसेवक को भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ ये ठीक है कि संघ से कुछ अच्छी बातें सीख करके लोग अपने निजी जीवन में और निजी अपना जो भी उनका कार्य है, प्रोफेशन है, व्यवसाय है, नौकरी है, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करके तरक्की जरूर पा लेते हैं। जो मैनेजमेंट सिस्टम संघ प्रयोग करता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो उन्हीं लाइन पर उन्हीं सब चीजों पर काम करते हैं और उसको अच्छे से अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं, उससे लाभ पाते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट इसमें और जोड़ना चाहूंगा। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई जी। और संघ काम कैसे करता है आपको उससे ये पता चलेगा। और ये जो जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं वो संस्कृति संघ की नहीं, इस देश की, राष्ट्र की, इस जमीन की संस्कृति है। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट था उस समय में, उस समय संकट क्या था, उस समय संकट ये था कि ये देश एक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी एक बड़ा संकट था। खालिस्तानी मूवमेंट इतना बलवती और इतना प्रबल था उस समय। आप उस समय के सरसंघ चालक जो बाला साहब देवरस हैं, आप उनका यदि उस समय का स्टेटमेंट निकाल करके देखेंगे या उस समय के जो उनका कथन है वो निकाल करके देखेंगे तो संघ ने होल हार्टेडली देश एक रहे इसके लिए, और भाजपा बहुत छोटी पार्टी थी उस समय, भाजपा की अगर कुछ सीटें बढ़ जाती और कांग्रेस की कुछ कम हो जाती और कुछ ऐसी स्थिति बनती कि सरकार किसकी बनेगी क्या बनेगी तो शायद देश का नुकसान होता जी। उस समय बाला साहब देवरस ने संघ का पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस के पीछे खड़ा किया और सबने देखा कांग्रेस की कितनी सीट्स आई, बीजेपी 2 सीट्स पर रही। तो ये संघ की संस्कृति है, माने जब राष्ट्र पे संकट है, देश पर संकट है, स्वयं नहीं, अपना परिवार नहीं, अपने संगठन को भी संघ जो है वो ताक पर रख के। लेकिन राजीव जी, लेकिन जो आपने पूरी बात बताई उस बात से ये तो सामने आ जाता है कि जो संघ कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हम सामाजिक संगठन है, लेकिन राजनीति में उसकी दिलचस्पी रहती है या राजनीति में नजर रहती है और राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश भी की, ये आपकी बात से तो ये भी साबित होता है। आप मुझसे पूछ रहे? जी जी जी। देखिए संघ कभी भी किसी भी
राजनीतिक दल को सीधा समर्थन नहीं देता, संघ कुछ मुद्दों पर काम करता है और जो भी राजनीतिक दल उस मुद्दे पर खड़ा होता है। अब 1977 में बैन लगा तो बहुत सारे संगठन थे उस समय जो उस बैन को हटाने के लिए जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध काम किया, और जब चुनाव का समय आया तो संघ के स्वयंसेवकों ने संघ के स्वयंसेवकों के किए हुए काम का लाभ उन सब संगठनों को मिला जो संगठन जो है वो इमरजेंसी के खिलाफ थे, विरुद्ध थे। ठीक, संघ ने 100% मतदान हो 2% मतदान होना चाहिए इसके लिए कुछ मुद्दों को लेकर के जनसंपर्क का बड़ा कार्यक्रम किया, लोकमत परिष्कार का कार्यक्रम किया, उसका लाभ किसी राजनीतिक दल को मिले तो मिले, संघ किसी राजनीतिक दल के लिए सीधे सीधे काम नहीं करता। ठीक, लेकिन धनंजय, जो आपने राजीव जी की बात सुनी और आपने भी कहा कि संघ जो है वो राजनीतिक संगठन नहीं है, जो बीजेपी के सारे नेता ये बार बार कहते हैं, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले, चुनाव अगर नतीजे अनुकूल नहीं आए तो फिर संघ के बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें होती हैं, खबरें अखबारों के अंदर आती है, उसके बाद भी ये कहा जाता है कि संघ राजनीतिक दल नहीं है और बीजेपी बार बार जो है संघ के पास जाती है जब भी कोई राजनीतिक घटनाक्रम इस देश में हो रहा होता है, तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए अंदर खाने में कुछ और है धनंजय जी, क्योंकि आरोप लगातार लगते हैं? नहीं प्रखर जी, ऐसा है कि संघ मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया में लगा रहता, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया सतत चलती रहती है और हम सब गर्व से कहते हैं इस बात के कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के शिक्षित प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं और हमें मार्गदर्शन के लिए जब राष्ट्र निर्माण के लिए इदम राष्ट्र आए इदम न मम, राष्ट्र सब कुछ है और राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करने की ये जो प्रेरणा मिलती है, जो हमें त्याग तर्पण अर्पण समर्पण की जो शिक्षा मिलती है, इसके इसका सम्मान करते हैं। दूसरी बात, आप देखे होंगे भारत की संस्कृति है कि राज सत्ता कोई और चलाता था और उसको वैचारिक बल कहीं और से मिलते थे, जैसे पहले राजा महाराजा जाते थे अपने गुरुकुल में गुरु से मार्गदर्शन लेने के लिए, जब गुरुकुल है संघ आपका, तो भाई हेलो, मतलब आपने मान लिया ना कि संघ गुरुकुल है बीजेपी का, मैं ये मानता, गुरु पूर्णिमा के दिन ही ये खबर आई, गुरु पूर्णिमा के दिन ही ये खबर आई है, ऐसा लगा कि गुरु दक्षिणा दे दी कल। मैं वही बात आपसे बता रहा कि संघ व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में लगा रहता है और संघ को वैचारिक बल, वैचारिक विचार लेने के लिए जैसे उनसे कहा गया आदरणीय संचालक से कि भाई आप संगठन मंत्री को भेज, तो उन्होंने कहा कि किसी और को भी चाहिए तो हमसे ले, किसी और को भी चाहिए तो हमसे मांग ले। जहां व्यक्ति निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए 62 में चाइना वार हुआ तो संघ ने सारे जगह ट्रैफिक का इंतजाम संभाला, उसके कारण 63 में पंडित नेहरू ने उनको बुलाया। इसके अलावा जब भी की परेड में संघ को शामिल किया था पंडित नेहरू ने, इसके अलावा मैं उसी बात पे आता हूँ, इसके अलावा आता हूँ प्रखर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इसके अलावा गुरुजी ने कहा था कि जब राष्ट्र की बात आती है तो ठीक वैसी ही बात है जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा था कि वयम वज्राधिकम शतम, हम 5 नहीं 105 है, उस समय हम कौरव पांडव नहीं देखेंगे, उस समय हम कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखेंगे जब राष्ट्र की बात आएगी। और दूसरी बात, संघ वैचारिक बल देने वाला संगठन है, अगर व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया उनको लगता है कि भाई इनको मार्गदर्शन करने से राष्ट्र का भला हो सकता है तो उसके लिए वो किसी को भी मदद करने के लिए तैयार है। राष्ट्र के लिए वयम वज्राधिकम शतम यह मूल मंत्र है कि कोई कौरव पांडव नहीं, जब राष्ट्र की बात आती है, जब राष्ट्र की सेवा के लिए मसला आता है, राष्ट्र के लिए हम सबको एक साथ लेकर के चलने की बात सिखाई जाती है और यही संघ का प्रशिक्षण है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, दुनिया के सारे विचारकों का सार कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये संघ का शिक्षित प्रशिक्षित स्वयंसेवक ही कह सकता। राकेश जी, जो भी आपने बातें सुनी, और मैं अगर कहना चाहूं जो भी राजीव जी ने कहा था कि संघ से, जो प्रणब मुखर्जी जी का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम संघ से इतनी दुश्मनी नहीं रखते, हमें साथ लेते तो कुछ और स्थितियां होती, सवाल यह है कि बार बार संघ के प्रति इतनी नफरत क्यों कांग्रेस के नेताओं के बीच में दिखाई देती है और ये बयानों से साबित होता है। सवाल यह है कि आप मुस्लिम लीग से केरल में हाथ मिला लेंगे, राहुल गांधी वायनाड में उनके समर्थन से चुनाव जीत जाएंगे, उसकी सांप्रदायिकता आपको नजर नहीं आती, लेकिन एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो कई सेवा क्षेत्रों में काम करता है आरएसएस, उसके प्रति लगातार 7 दशक से आप के पार्टी के नेता पीढ़ी दर पीढ़ी नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक लगातार जहर उगलते रहते हैं, तो ये क्या सोच है कि मुस्लिम लीग से हाथ मिला लेंगे लेकिन संघ के प्रति इस तरह का भाव रखेंगे? देखिए श्रीवास्तव जी, कुछ देर पहले ही आप भी आपने कहा कि नेहरू जी को आपने टारगेट किया और कुछ दिन देर पहले ही बता रहे थे कि नेहरू जी ने उनको परेड में भी शामिल करने वाले थे।
हाँ किया ना, तो मतलब अंतिम समय में अपनी गलती का एहसास हो गया तो फिर कहाँ पे रहा, फिर नफरत कहाँ पे रहा? मेरा ये अंतिम समय 1964 में नेहरू जी का निधन होता है 27 मई 1964 को, और 26 जनवरी 1963 को वो 26 जनवरी की शामिल करते हैं, तो अपनी मृत्यु के पहले उनको संघ की महानता का एहसास हो गया। इसको तो इस ढंग से भी देखा जा सकता है ना। आपको कब होगा? तो फिर या तो फिर नेहरू जी के खिलाफ भी बोलते और एक बार कहते हो ठीक है, आप श्रीवास्तव जी आप एंकर है, आप विश्लेषण बाद में कर लीजिए। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आप पूछ रहे भाजपा के प्रवक्ता को कि आरएसएस और बीजेपी का संबंध, आपको याद होगा 2014 में जैसे पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद एक साल के बाद, डेढ़ साल के बाद आरएसएस दिल्ली में आया, जितने कैबिनेट मंत्री थे अपना अपना फाइल और रिपोर्ट आरएसएस के पास लेके जाते थे, पूरा ब्यूरा देते थे कि हमने क्या काम किया और आगे क्या काम करेंगे। और इसका कोई प्रमाण है तो बताएं, जो बातें बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई प्रमाण है तो बताएं, आरएसएस को रिपोर्ट करते थे। और ये जो बीजेपी का जो संगठन का ढांचा है, इसमें एक सेक्रेटरी आरएसएस से रिकमेंडेड होता है, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ये जो है ये पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस है। ठीक है, आपने बात कह दी, मेरा सवाल ये था राकेश जी, मेरा सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं, मेरा सवाल ये कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग की कोख से जन्मी है, जो जिन्ना की कोख से जन्मी है, उसके साथ आप केरल में हाथ मिला लेते हैं लेकिन संघ के प्रति इतनी नफरत रखते हैं? मैं ये बात बता रहा हूं, मैं भाजपा और जो हमारे आरएसएस के मित्र को, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप लोग इस देश का संविधान नहीं बदलेंगे? क्या आप गारंटी? मेरा सवाल इस पे सब चर्चा हो चुकी है, रिजर्वेशन 5:40 होने वाला है, चर्चा हो चुकी है। मेरा सवाल ये है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से आप हाथ मिला लेते हैं लेकिन आरएसएस के प्रति इतनी नफरत रखते हैं, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। आरएसएस इस देश की जो संविधान है उसको मानती नहीं है, इसलिए मैं उनको पूछ रहा हूँ, क्या आपको तिरंगा पे भरोसा है? क्या आप क्या मानते हैं कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम इस देश के नागरिक है? अच्छा, क्या आप मानते हैं? अच्छा एक बात सुनिए, आप बार बार तिरंगे की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ना मेरे को लगता है कि, माफ कीजिएगा उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, थोड़ा किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उन्हें इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। 1950 में एक मिनट सुन लीजिए, मुझे टोकिए मत, सुन लीजिए। आपको ना आपको इतिहास का ज्ञान है ना आपको कानून का ज्ञान है, आपको यह पता नहीं है कि 1950 के कानून के तहत किसी भी प्राइवेट संस्था या किसी सामाजिक संस्था को देश का तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था कानूनी तौर पर। कांग्रेस दफ्तर में भी कांग्रेस का जो झंडा है वो फहराया जाता था, समझे आप? उसके बाद नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस, सुन तो लीजिए भाई साहब, ज्ञान दे रहा हूँ, समझ लीजिए, काम आएगा अगली किसी डिबेट में काम आएगा आपके। तो नवीन जिंदल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुन लीजिए एक मिनट, नवीन जिंदल के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद तिरंगा फहराने की परमिशन मिली है। आप कुछ जानते हैं नहीं इतिहास, सरदार पटेल के बारे में कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं मालूम है आपको, आपको इतिहास का शून्य ज्ञान है, आपका सामान्य ज्ञान अति सामान्य है। मतलब नेता बने हुए हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, कांग्रेस सेवा दल के वर्किंग प्रेसिडेंट है राज्य के, और आपको ये नहीं मालूम है कि क्या कानून था तिरंगे को लेकर? आप उनको पूछिए क्या मुस्लिम और क्रिश्चियन को इस देश के नागरिक मानते हैं कि आरएसएस, पूछिए उनको। और ये भी पूछे कि मेरा सवाल जो है कि मुस्लिम लीग जो शरिया लागू कर रखा है केरल के कई इलाकों में, उसके साथ तो आप हाथ मिला रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो मुस्लिम लीग जो जिन्ना की मुस्लिम लीग की कोख से जन्मी है, उसके साथ राहुल गांधी को वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती है, लेकिन आरएसएस पर जहर उगलना है, इस सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। आप बात टाले जा रहे हैं, कभी तिरंगे पे पहुंच जा रहे हैं, कभी सरदार पटेल पे पहुंच जा रहे हैं, कभी गांधी पे पहुंच जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब है आपके पास? लंबी खामोशी, कोई सवाल का जवाब नहीं, नेटवर्क नहीं है। श्रीवास्तव जी आप इसका प्रमाण दीजिए, किधर है ये मुस्लिम लीग वाला चीज, आप बताइए किधर हुआ ये? सुनेंगे मेरी पूरी बात, सुनेंगे मेरी पूरी बात, बिल्कुल आप बिल्कुल बीच में रोकेंगे नहीं, नहीं बताइए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद इस्माइल ने की थी और उनके साथ थे बी पोकर बहादुर साहब, ये दोनों के बारे में पढ़ लेना।
मोहम्मद इस्माइल खान को दक्षिण भारत का 2024 की अभी बोलना शुरू किया, अभी बोलना शुरू किया, अभी बोलना शुरू किया, अभी बोलना शुरू किया, टोक दिया। अच्छा कांग्रेस दिया, तो सुन लीजिए, इनकी आवाज थोड़ी डाउन कीजिए, राकेश जी की आवाज डाउन कीजिए, राकेश जी की आवाज डाउन कीजिए। तो 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ उसके बाद भी मोहम्मद इस्माइल खान और बी पोकर बहादुर साहब जो मुस्लिम लीग के नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना के चेले थे, वो पाकिस्तान बनाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली, उनके साथ कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, दो दो तीन तीन बार सरकारें चलाई। इवन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक नेता कोया साहब केरल के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के सहयोग से, और वायनाड से दो दो बार चुनाव जीत चुके हैं इसी इंडियन यूनियन मुस्लिम के सहयोग से राहुल गांधी। और कोई एक भी तथ्य गलत बोला हो, एक भी तथ्य गलत बोला हो तो आप हर कार्रवाई करने के लिए आजाद है। असल में आपको जो है ना इतिहास का ज्ञान आपका अति सामान्य है। समस्या ये है शेट्टी जी, चलिए फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को जब अनुमति मिल गई है, पुराना फैसला बदल दिया गया है, संघ की शाखाओं में शामिल हो सकते हैं, संघ के कार्य में शामिल हो सकते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं समीर चौगांवकर साहब, आपको बड़ा कम मौका मिला है। समीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जिस पर जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ये जो एक नफरत है कांग्रेस की संघ के प्रति, इसके पीछे क्या नेहरू का सिंड्रोम है? क्योंकि नेहरू जो थे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे RSS को लेकर, और जीवन भर वो जो है RSS के खिलाफ काम करते रहे। 1963 में जाके उन्हें RSS की योग्यता के बारे में पता चला, और वो हमने इसके ब्रेक के पहले चर्चा करी। तो क्या ये नेहरू सिंड्रोम कांग्रेस के नेताओं के अंदर है जिसकी वजह से संघ के प्रति इतना जहर उगलते हैं, या फिर संघ पर अटैक कर कर इन्हें कोई दूसरा राजनीतिक लाभ प्राप्त होता है? समीर, लेकिन नेहरू सिंड्रोम से तो कांग्रेस पीड़ित है, लेकिन मुख्तार राहुल गांधी जो है वो उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। नेहरू जी ने जितना संघ को नहीं कोसा होगा उससे ज्यादा राहुल गांधी संघ को हर बात पर कोसते रहते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी वो संघ का जरूर जिक्र करते रहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने नेताओं को थोड़ा संघ के बारे में पढ़ाना चाहिए। इनको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि कांग्रेस के जो मंत्री रहे मनमोहन जी की सरकार में, बुलास बुत्तेवार जो नागपुर से ही आते हैं, वह जब सांसद थे और जब वो सुदर्शन जी से मिले थे नागपुर के अंदर, तो सुदर्शन जी से उन्होंने पूछा कि संघ के स्वयंसेवक इतने अनुशासित होते हैं, समय के इतने पाबंद होते हैं, नागपुर में जो मेरा स्टाफ है वो समय से पाबंद है, न ठीक से काम कर पाता है। सुदर्शन जी ने कहा था आप कहोगे तो मैं आपको मेरे दो स्वयंसेवक दे देता हूँ, वो आपका काम अच्छे से संभालेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे प्रखर जी, विलास मुक्तावार के निजी स्टाफ में दो संघ के स्वयंसेवक काम करते थे, क्योंकि विलास मुक्तावार ने कहा कि भाई मुझे अनुशासित लोग चाहिए, आपके स्वयंसेवक मुझे दीजिए, और संघ के दो स्वयंसेवकों ने विलास मुक्तावार का ऑफिस संभाला। तो संघ की आपत्ति किसी के साथ नहीं है। जब जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए तो स्वयंसेवक दिए गए, भारतीय जनता पार्टी बनी तो स्वयंसेवक दिए गए। अगर राहुल गांधी आज कहते हैं कि भाई अनुशासित कांग्रेस नहीं हो पा रही है, कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद नहीं आ पा रहा है, राष्ट्रवाद तो कम है, हमें कुछ संसद दीजिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को संघ अपने संसद देने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जो मेरा सवाल जो ये था कि जो हमले करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता, समीर, किसी राजनीति के बारे में गलत शब्द बोले, कांग्रेस इतना आरोप लगाती है, संघ ने कभी संघ प्रमुख ने कांग्रेस के बारे में शब्द बोला है? संघ के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी ने कभी? मेरा सवाल वही है समीर, कि अगर कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, तो क्या इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलता है, या ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है जिससे लगता है कि संघ जो जिसको दिखाया जाता है कि मुस्लिमों का विरोधी है, संघ के खिलाफ हम बोलेंगे तो मुस्लिम तुष्टिकरण होगा, मुस्लिम वोट बैंक मिलेगा, इसलिए राहुल गांधी ऐसा करते हैं? समीर, देखिए इसमें दो कारण है कांग्रेस का, दो स्वार्थ। एक तो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की, संघ को जितना गाली देंगे, संघ के खिलाफ जितना बोलेंगे उतने मुस्लिम वोट मिलेंगे, और दूसरा यह भी है कि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि संघ के कारण आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। अगर संघ नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के पीछे, तो भारतीय जनता पार्टी इतना
बड़ा वटवृक्ष आज नहीं बन पाता, कांग्रेस को ये लगता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद में जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था उन्हें इस तरह से बयान से बचना चाहिए था, जो उन्होंने बयान दिया था। अच्छा, मैं संघीय स्वयंसेवक के नाते मुझे लगता है कि नड्डा जी को उस तरह के बयान से बचना चाहिए था। मुझे लगता है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कई लोग भी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया में। मुझे लगता है कि धनंजय जी से उसके बारे में पूछ लेना चाहिए। हालांकि राजीव जी से ये सवाल मैं पूछ चुका हूं, लेकिन धनंजय जी से पूछना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकारी अधिकारी सरकारी कर्मचारी अगर संघ की शाखाओं में जाएंगे, संघ का दायित्व लेंगे, संघ का कार्य करेंगे, तो ऐसे में वो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दबाव भी बना सकते हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे, इस आशंका पर आप क्या कहेंगे, ये कैसे रुकेगा? क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे मिल जाते हैं सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी जो संघ के साथ अपना रिश्ता बताते हैं, और जब तो सीधे काम करने लग जाएंगे तो ये जो प्रवृत्ति आएगी एक पूरे सिस्टम के अंदर में, उसको आप कैसे रोकेंगे? कई ऐसे नेता भी मिलते अपने आप को स्वयंसेवक बता देते हैं जी। लेकिन धनंजय से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो संस्कृति आएगी कि सीधे सरकारी कर्मचारी जो सुबह शाखा जा रहा है, उसके दफ्तर जा रहा है, और ये सामने दिखा रहा है कि हाँ मैं प्रखर जी समझ गया जवाब तो इस प्रवृत्ति को कैसे रोकेंगे आप? प्रखर जी कहते हैं ना कि जो जाए लंका हो जाए रावण, और लंका जा करके सोने की लंका को जला करके कृष्णा छू न सकी मन को, उसी को कहते हैं महावीर। जो संघ की शाखा में चला जाए उसको, जिसको संघ तिलक लग जाए, मेरे जैसे हो जाओगे जब संघ तिलक लग जाएगा, फिर तृष्णा नहीं छू सकेगी मन को, फिर ये नहीं मन को आएगा कि कुछ कर लें, कुछ चाक चिन्ह कर लें, कुछ इधर उधर करें, कुछ ऐसे वैसे करें। संघ की शाखा ही व्यक्ति का निर्माण करती है, और आप किसी को भी भेज दीजिए, वो व्यक्ति निर्माण करके आप राहुल जी को भेज दीजिए, चाहे राकेश जी को भेज दीजिए, इनको भी भेज दीजिएगा, तो इनको हम ठोक ठेका करके राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित स्वयं सेवक बना करके राष्ट्र की संविधान में योग्य बना देंगे, फिर वो विचार इनके मन में आएगा ही नहीं। धनंजय जी आपने एक आदर्श राज्य की बात की, अरस्तु की तरह एक आदर्श राज्य की कल्पना की बात की, लेकिन जब इतना बड़ा संगठन होता है तो उसमें अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शायद राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगर संघ से इस तरह से जुड़ जाएंगे सरकारी सिस्टम के लोग, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है, मेरा सवाल उस चिंता को लेकर है जो लोग जता रहे हैं। संघ में जो संघ के संचालक होते हैं या जो भी बौद्धिक देने वाले होते हैं वो ये कहते हैं, जैसे कबीर दास कहते हैं कि जो घर जा रो आपनो चलो हमारे साथ, वहां कहा जाते हैं आपको कुछ पाने के लिए अगर आना है तो आप गलत एड्रेस पर आ रहे हैं। यहाँ सब कुछ खोना है, सब कुछ देना है, राष्ट्र में खुद को होम करना है। यहाँ पाना कुछ नहीं है, देना देना और बस देना है, राष्ट्र के लिए बस देने का काम है। और यही संघ सिखाता है, यही संघ की शाखा सिखाती है, यही संघ का पूरा व्यवहार ही यही है। यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। व्यक्ति निर्माण होता है, व्यक्ति निर्माण होता है, उससे कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है? इसका पक्ष जानने के लिए हम राकेश जी के पास चलेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो पांचवी पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एक सरकारी कर्मचारी सुबह शाखा में जाता है, और अगर आपने शाखा देखी हो, अगर आपने शाखा में क्या होता है अगर आपने देखा हो, तो भारत माता की पूजन होती है, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। अगर एक सरकारी कर्मचारी देशभक्त के नाते संघ की शाखा जाता है और भारत माता की जय के नारे लगाता है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? श्रीवास्तव जी ने इससे पहले आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, मैं आपको 1946 में सिंध प्रोविजन और बंगाल में हिंदू महासभा, आपने अभी भी, अब आपको मैं तत्काल रोक रहा हूँ, तत्काल रोक रहा हूँ, जो आरोप लगाने वाले वो आरोप तथ्य एक बार चेक कर लीजिए आप, फिर झूठा तथ्य चेक ही नहीं करते, मतलब किसी फैक्ट चेकर के पास आप पड़ गए तो देखना कितने फैक्ट चेक कर डालेगा आपके। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा था। एक मिनट, फिर झूठा तथ्य चेक कर लीजिए। फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। फजलुल हक की पार्टी का नाम था कृषक प्रजा। अरे साहब, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं आप, कुछ भाई साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उनकी हिंदू महासभा ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई थी। फजलुल हक जो थे वो कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे, इन दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी, मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सरकार नहीं चलाई थी। इस तथ्य को दुरुस्त कर लीजिए।
वर्तमान पे आ जाएं। बंगाल में दो जगह पे सरकार बनाई थी, तीन चार पांच गलतियां जो है, मतलब ऐसा लग रहा है फैक्ट चेक का प्रोग्राम हो रहा है। आप क्यों ये डिस्कशन नहीं हो रहा राकेश जी, आपको फैक्ट चेक करने पर परेशान है हम लोग। एक भी तथ्य, एक घंटे में एक भी तथ्य आपने सही नहीं दिया। आप अगली बार बुलाइए, मैं उस पे आपको आता हूँ, आप चेक कर लीजिए। सर मैं भी खुली चुनौती देता हूँ, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बंगाल और सिंध, अरे साहब फजलुल हक के साथ, अरे साहब आप चेक कर लीजिए ना भाई। सर आप अध्ययन कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मालूम है इतिहास के बारे में। मेरा सवाल जो था, मेरा सवाल ये था कि अगर एक सरकारी अधिकारी, देखिए समय का अभाव है राकेश जी, समय का अभाव है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर सरकारी अधिकारी भारत माता की जय के नारे लगा लेगा सुबह शाखा जाकर, तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? तो क्या बुरा है? आरएसएस की शाखा में ऐसा क्या सिखाते जो आईपीएस और आईएएस में नहीं सिखाते? क्या सिखाते आरएसएस में बताइए आप? ठीक है राजीव तुली जी बताइए, राजीव तुली जी बताइए जल्दी से, दो मिनट के अंदर क्या सिखाते हैं राजीव तुली जी बताइए, क्या सिखाते हैं शाखा में? ऐसा है, शाखा में क्या सिखाते हैं तो वो तो शाखा आकर के पता लग सकता है। मेरा राकेश सेठी जी से एक निवेदन है कि आप संघ की शाखा में आइए, आपकी हमारे से पटेगी तो रहिएगा और नहीं पटेगी तो छोड़कर चले जाइएगा। संघ में आने का पैसा नहीं, जाने का दंड नहीं। अगर आप आएंगे तो आप दो चार अच्छी बातें सीख कर जाएंगे, आप परिवार सीख कर जाएंगे, आप बंधु भाव सीख करके जाएंगे। आप वहां पर अगर आएंगे तो आप देश से प्यार करना सीख करके जाएंगे और आप ये मानकर, आप ये सीख कर जाएंगे कि इस देश में रहने वाले 140 करोड़ जो लोग हैं वो किसी भी पूजा पद्धति को मानते होंगे। ठीक राजीव जी, राजीव जी, राकेश जी, आप, मैं जानता हूँ आप दोनों अपनी भी बात कहना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है, इस चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना होगा, इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप चारों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शेट्टी का, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी का, और बहुत बहुत शुक्रिया समीर चौगांवकर और राजीव तुली जी का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।